छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं मीठे दोहे। संत कबीर इन्होंने लिखे हुए जो दोहे हैं वो आज हम देखने वाले हैं। देखिए, दोहों के माध्यम से उन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के लिए ऐसे विचार प्रस्तुत किए हैं जिनके कारण हमारा समाज परिवर्तित हो सकता है। इसके पहले हमें बदलना जरूरी है। उनके विचार अगर हमने अपने में लाए, हमने अपने जीवन में उसका इस्तेमाल किया तो हम भी सुधार सकते हैं, और हम सुधारे तो हमारा समाज आसानी से सुधार सकता है। इसीलिए इस दोहों में क्या क्या सीख दी हैं इन दोहों के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं मीठे दोहे। चलो देखते हैं मीठे दोहे। मीठी वाणी से हम सभी का मन जीत सकते हैं। देखिए, अगर हमने मीठी वाणी से बातें की तो हम सभी का मन आसानी से जीत सकते हैं। हमें सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कैसी वाणी बोलनी चाहिए हमें? सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो चलो देखते हैं इन छह दोहों के द्वारा संत कबीर ने हमें क्या सीख दी है। इन दोहों के माध्यम से हम जानते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे आप हो शीतल होए। देखिए, पहले दोहे में उन्होंने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए। वाणी का मतलब क्या है? वाणी का मतलब है बोली। वाणी का मतलब है बोली। आपा का मतलब है घमंड, अहंकार। उसके बाद है आवरण। आवरण का मतलब है दूसरों। शीतल यानी ठंडा, और आप हूं यानी स्वयं। तो देखिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन में कोई भी घमंड न रखते हुए हमारी भाषा होनी चाहिए, हमारी बोली होनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी बोली बोलिए जिससे हमारे मन का अहंकार न दिखे। कोई भी अहंकार हमारे मन में नहीं होना चाहिए, कोई भी घमंड नहीं होनी चाहिए। ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए, ऐसी हमारी बोली होनी चाहिए। आवरण को शीतल करें जिससे सामने वाला जो सुन रहा है हमारी बातें वो भी शीतलता, उसके मन को शीतलता पहुंचे, उसके मन को ठंडक पहुंचे। आवरण को शीतल, शीतल का मतलब क्या है? ठंडा। शीतल यानी ठंडा। तो उसके मन को ठंडक पहुंचे, आप हो शीतल हो, और ऐसे बातें करते हुए हमारे मन को भी शीतलता आ जाए, हमारे मन को भी ठंडक पहुंचे। ऐसी हमारी बोली होनी चाहिए, ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए। तो देखिए, पहले ही दोहे में उन्होंने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आवरण को शीतल करे आप हो शीतल होए। अगर हमारी भाषा अच्छी हो, दूसरों को दूसरों से बातें करते हुए हमने शांतिपूर्वक बातें की, दूसरों को शीतलता प्रदान करने वाली ऐसे बातें हमने की, तो उसके मन को भी शांति मिलती है और हमारे मन को भी शांति मिलती है। इसलिए हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? उसमें जरा भी घमंड नहीं होना चाहिए, ऐसी हमारी भाषा होनी चाहिए। दूसरा दोहा देखिए, मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सौ मिटे जैसे दूध उफान। देखिए, जन का मतलब क्या है? जन यानी लोग, और अभिमान का मतलब है घमंड। तो ये जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा तो घमंड होता है, अभिमान दिखाई देता है। लोग जन, ये जो बड़े लोग हैं, उत्तम का मतलब है श्रेष्ठ, उत्तम बड़े। तो मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान। और हम क्या कर सकते हैं मधुर वचनों से? हमें मधुर वचन होने चाहिए। हमने अगर मुख से बोलते हुए मधुर वचनों का प्रयोग किया तो क्या होगा? ये जो बड़े लोग हैं इनका अहंकार दूर हो सकता है। इसलिए मधुर वचनों का प्रयोग हमें बोलते समय करना चाहिए। मधुर वचन ते जात मिटी, उत्तम जन अभिमान। बड़े लोगों का जो अभिमान है, अहंकार है, घमंड है, वो दूर करना है तो हमें क्या करना है? मधुर वचनों का प्रयोग करना चाहिए। तनिक शीत जल सौ मिटे जैसे दूध उफान। एक उदाहरण देते हुए कहा है कि तनिक शीत जल सौ मिटे जैसे दूध उफान। दूध को जो उफान आता है
देखो, जब चूल्हे पर दूध रखा जाता है और उसको जब उफान आता है दूध को, तो उसे ठंडा करने के लिए, उसे शांत करने के लिए हम क्या करते हैं, पानी का छिड़काव कर देते हैं। थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी क्या करता है, उस दूध का उफान शांत कर देता है, मिटा देता है। वैसे ही हमारे मधुर वचनों से हम बड़े लोगों का अहंकार दूर कर सकते हैं। तनिक सीत जल सब मिटे जैसे दूध उफान, दूध का उफान भी ठंडा पानी दूर कर देता है। देखिए, अभी तीसरा जो दोहा है उसमें बताया है, शब्द संहारे बोलिए शब्द के हाथ न पाव, एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। देखिए, बोलते समय शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। अगर ऐसे हमने कोई भी शब्द कभी भी इस्तेमाल किया तो क्या होगा, इसके परिणाम बहुत ही भयंकर हो जाएंगे, इसके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। तो इसीलिए शब्द संभारे बोलिए, शब्द संभल कर बोलना चाहिए। शब्द के हाथ और पाँव नहीं होते हैं, देखिए शब्द के हाथ पाँव नहीं होते हैं, फिर भी वो इनका प्रयोग सोच समझ कर ही करना चाहिए। देखिए, हमें हाथ पाँव हैं, हम दूसरों को मार पीट सकते हैं, है ना, दूसरों को हाथ जोड़ सकते हैं, दूसरों से मारपीट कर सकते हैं, पर शब्दों का वैसा है क्या, उनको हाथ पाँव हैं नहीं, फिर भी ये शब्द कितने प्रभावकारी होते हैं। ये देखिए, शब्द संभारे बोलिए शब्द के हाथ न पाव, शब्द संभल कर बोलने चाहिए क्योंकि शब्द को हाथ और पैर नहीं होते हैं। एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे मन को ठंडक भी पहुंचाते हैं, हमारे लिए औषधि का भी काम करते हैं, और कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके कारण हमारा दिल को ठेस पहुंचती है, वो सुनने में कुछ शब्द तकलीफ होते हैं, ऐसे भी शब्द होते हैं। अगर किसी ने गाली दी तो गाली हमें झट से याद रहती है, वो हम कभी भी भूल नहीं सकते, पर किसी ने अच्छे शब्द निकाले हमारे लिए तो हम वो तारीफ के शब्द बहुत ही अच्छे से याद भी रखते हैं, और उसके लिए हमारे मन में प्यार भी बढ़ता है। और अगर उसने हमें गुस्से से कुछ बोला, कुछ बुरा भला कहा, तो वो भी हमें याद रहता है, और इसका हम कभी ना कभी बदला ले लेते हैं। तो इसीलिए कुछ शब्द औषधि का काम करते हैं और कुछ शब्द घाव देने का काम करते हैं। इसीलिए हमें शब्द संभल कर बोलने चाहिए क्योंकि शब्दों को हाथ पैर नहीं होते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमने तीन दोहों का अर्थ देखा और चौथे दोहे का अर्थ देखते हैं। देखो, चौथे दोहे में लिखा है, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहु और, वशीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। देखो, तुलसी मीठे वचन ते, ये जो मीठे वचन है वो क्या करते हैं, चारों तरफ सुख पैदा करते हैं, सुख उत्पन्न करते हैं, चारों तरफ सुख ही सुख व्याप्त होता है अगर आपने मीठे वचनों का प्रयोग किया तो। ऐसे इनका कहना है, वशीकरण एक मंत्र है, वशीकरण एक मंत्र है तजिदे वचन कठोर। तो हमें क्या करना है, कठोर वचनों का त्याग करना है और मीठे वचनों को हमें अपनाना है, हमें बोलते समय मीठे वचनों का प्रयोग करना है। इससे क्या होता है, चारों तरफ सुख उत्पन्न होता है, सुख ही सुख होता है चारों तरफ, और यह क्या है, वशीकरण का मंत्र है, सबको वश में करने का एक महामंत्र है मीठे वचन। इसलिए इसका हमारे जीवन में प्रयोग करना आना चाहिए, हमें क्या करना है, बोलते समय मीठे वचनों का प्रयोग करना है। देखो, उसके आगे जो दोहा है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे संचरे साले सकल शरीर। तो यहाँ पर कटुक का अर्थ है कड़वा, श्रवण यानी सुनना, संचरे प्रवेश करना, साले दुखी करना। तो देखिए, और सकल का अर्थ है पूरा, सकल का अर्थ क्या है, पूरा। तो यहाँ पर देखिए, मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन क्या है, किसके समान बताए गए हैं, औषधि के समान बताए गए हैं। कटुक वचन है तीर, कटुक वचन यानी कड़वे जो शब्द है वो किसके समान होते हैं, तीर के समान होते हैं। देखिए, आपने धनुष देखा है तो धनुष को क्या होता है, तीर होता है ना,
वो तीर क्या करता है, जब छूटता है तब दूसरों को घाव पहुंचाता है। तो ऐसे जो शब्द है और धनुष का जो तीर होता है वो वापस नहीं आ सकता, एक बार छूटा हुआ तीर वापस नहीं आता, वैसे ही शब्दों का होता है। अगर शब्द हमने एक बार इस्तेमाल किए तो वो वापस नहीं आते, इसलिए शब्द सोच समझ कर बोलने चाहिए। तो यहाँ पर मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवे संचरे। ये कटुक वचन क्या होते हैं, जो कटुक शब्द है, कड़वे शब्द है, कड़वे बोल है, वो क्या कर होते हैं, हमारे कानों के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और पूरे शरीर में फैल जाते हैं। साले सकल शरीर, साले का अर्थ है दुखी करना, साले का अर्थ क्या है, दुखी करना, और हमारे पूरे शरीर को दुखी कर देते हैं। ऐसे कटुक वचन पूरे शरीर को दुखी कर देते हैं, इसीलिए इन शब्दों का त्याग करना चाहिए और मीठे वचनों को हमें अपनाना चाहिए। अंतिम जो दोहा है वो देखिए, बोल एक अमोल है, बोल एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के तब मुख बाहर आनी। देखिए बहुत ही बढ़िया यहाँ पर संदेश दिया है हमें, बोल एक अमोल है, हमारी जो बोली है वो अनमोल है, हमें जो भगवान से मिली हुई ये देन है बोली की, वो बहुत ही अनमोल है। बोल एक अमोल है, जो कोई बोले जाने, आपको जो भी कुछ बोलना है वो क्या करना चाहिए, सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ये तराजू तौली के, ये तराजू तौली के, अब देखिए ये का अर्थ क्या है, हृदय, ये का अर्थ हृदय है। तो हृदय में तोल कर, अपने हर एक शब्द को हृदय की तराजू में तोल कर हमें वो शब्द बाहर निकालने चाहिए। कोई भी शब्द बोलते समय वो हमें हृदय के तराजू में तोल कर ही बाहर निकालने चाहिए। हृदय का तराजू यानी हमारे जो मन का तराजू है, उसमें हमें वो शब्द अच्छा है या बुरा है इसकी जांच करनी चाहिए, तभी उसका प्रयोग बोलते समय करना चाहिए। अगर ऐसे किया तो आप किसी से झगड़ेंगे नहीं, किसी के साथ आपका झगड़ा नहीं होगा और आप अच्छे से बोल पाएंगे। बोल एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आनी। बोलते समय हमें ये ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द बोलते समय हमें अपने हृदय के तराजू में तोल कर ही शब्द बाहर निकालने चाहिए, तभी हम अच्छे से बोल पाएंगे। बहुत ही बढ़िया संदेश यहाँ पर हमें दिए हैं संत कबीर के दोहे, इनमें मीठी वाणी का प्रयोग किस तरह से करना चाहिए, सद्व्यवहार से किस तरह से रहना चाहिए, इसकी सीख इन दोहों के माध्यम से संत कबीर जी ने दी है। तो आज हमारा ये पाठ जो है, पाठ क्रमांक 13 मीठे दोहे, ये यहाँ पर पूरा होता है। आपको ये शब्दार्थ जो है इसका दोबारा वाचन करना है और इस दोहों को आपको अच्छे से पढ़ना है। धन्यवाद।